नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं मैं भारतीय न्यूज़ एंकर। आते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। रामपुर जिले के बनकटवा वन रेंज के गांव में तेंदुए के शावक का शव बरामद किया गया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। शावक की उम्र 5 महीने की बताई जा रही है। बलरामपुर में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जहां तुलसीपुर ब्लॉक में फर्जी क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया है, जहां महिला मरीज ने शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि वो पिछले 1 महीने से क्लिनिक पर शरीर में सूजन की शिकायत पर इलाज करवा रही है, जबकि उसे टाइफाइड के 24 इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। हापुड़ में अवैध रूप से चल रहे गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलरामपुर का शिवपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों दारूबाजों का अड्डा बन गया है, जहां सीएससी में बनी कैंटीन के पीछे दारू की बोतलें और डिस्पोजल ग्लास बरामद किए गए हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मलियाबाद में पुलिस ने कंटेनर में 32 गौवंशों को बरामद किया है। संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर रहे कंटेनर से गौवंशों को बरामद कर लिया है। वहीं इस दौरान चालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गया। कंटेनर मुरादाबाद निवासी अकरम का बताया जा रहा है। गोंडा जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने जिला पंचायत के कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने गोंडा के विकास के लिए 4 अरब 51 करोड़ का बजट पास किया है। वहीं बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अखिलेश यादव को समाजवाद फिर से पढ़ना चाहिए। झांसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुका है। पहले कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, फिर कांग्रेस से ही सहयोग मांगेंगे। सुल्तानपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल का घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लंबुआ तहसील में तैनात है रिश्वतखोर लेखपाल विकास सिंह। हरदोई में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां लखनऊ की ओर जा रही कार और नियंत्रित टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मां बेटी समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हापुड़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जहां सार्वजनिक जगहों पर लगे बिजली के पोल गलते लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी बिजली के खंभों को बदला नहीं जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में माँ चंद्रिका देवी मंदिर में नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई दिया, जहां मंदिर परिसर में अष्टमी के मौके पर भक्तों ने माँ चंद्रिका के जयकारे लगाए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण का आदेश दिया है। इस दौरान सीएम ने फरियादियों के साथ आए बच्चों को चॉकलेट दी। कानपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि योगी जी सारस और बारह सिंघा के लिए कोई सफारी बनाने जा रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कि वो सांड सफारी बनाए, रोज कोई ना कोई सांड का शिकार होता है। हमीरपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मौदहा सीएससी और कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपराधियों को 6 महीने में सजा दिलाने का बीजेपी सरकार काम कर रही है। हमीरपुर में प्रेमी के प्यार में पागल नवविवाहिता ने राठ कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा काटा। दूसरी शादी करने की जिद से अड़ी नवविवाहिता ने महिला सिपाही का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और महिला सिपाहियों से हाथापाई भी की। हाथरस में सामान लेकर जा रही मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया, इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव नाले में पड़ा मिला। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी के जन्म को लेकर बड़ा राज खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए वो 10 साल से पहले ही तैयारी कर चुकी थी। उत्तराखंड में महिला क्रिकेटरों के साथ आपत्तिजनक बातचीत वाला ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद उत्तराखंड में एक क्रिकेट कोच ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल क्रिकेटर कोच खतरे से बाहर बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोना चांदी के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज सोना 141 रुपए तो चांदी 120 रुपए महंगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ता, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता परवाह, सियासत में आया भूचा, देखिए कितना बदला प्रदेश।